How to fix Honor 7X denied access to network problem। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेकीराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, यदि आपको जो है आपके ऑनर के डिवाइस पर कुछ इस तरह का प्रॉब्लम यदि आ जाते हैं, डिनाइड एक्सेस टू नेटवर्क, ठीक है, तो दोस्तों कैसे आप जो है इस प्रॉब्लम को यहां पर फिक्स कर सकते हैं, आज के इस वीडियो पर दोस्तों मैं आपको इसी के रिगार्डिंग पर सॉल्यूशन बताने वाला हूं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर काफ़ी लोग जो है ऑनर के डिवाइस पर बस यही प्रॉब्लम यहाँ पर फिक्स करते फेस करते रहते, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों कभी कभी जो है वाईफाई पर कनेक्शन रहते हुए भी दोस्तों हमें इस तरह का प्रॉब्लम आ जाते हैं, डिनाइड एक्सेस टू नेटवर्क, ठीक है, या फिर मोबाइल डेटा पर भी हमें कभी कभी प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो अभी दोस्तों यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है और सॉल्यूशन यहाँ पर आपको क्या करना है, सभी बातें दोस्तों आपको यदि जानना है तो इसी वीडियो पर आपको जानने को मिलेगा। तो सिंपली वीडियो के साथ बने रहिए, साथ ही साथ दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। और दोस्तों यदि आप ऑनलाइन से पैसा कमाना चाहते हैं तो आप हमारा वीडियो डिस्क्रिप्शन पर जाके लिंक चेकआउट कर सकते हैं, और किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मैसेज भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको जो है अपने डिवाइस को एक बार रिस्टार्ट कर देना है, या फिर आपका जो रूटर है उसको रिस्टार्ट करना है, ठीक है। यदि आप दोस्तों यहाँ पर वाईफाई वगैरह से कनेक्शन ले रहे हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पर वाईफाई कनेक्शन ऑफ करना होगा, और उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर फ्लाइट मोड कर देना है। फ्लाइट मोड करने के बाद दोस्तों आप मोबाइल को एक बार रिस्टार्ट कीजिए, ठीक है, फ्लाइट मोड करके मोबाइल को रिस्टार्ट कीजिए। मोबाइल रिस्टार्ट करने के बाद दोस्तों आप एक बार दोबारा से जो है फ्लाइट मोड को डिसेबल कर दीजिए। तो ये करने के बाद दोस्तों आप देखिए कि आपका जो प्रॉब्लम है वो फिक्स होता है या नहीं होता है। यदि इससे काम बन जाता है तो ठीक है, यदि इससे आपका काम नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो दोस्तों चलिए मैं आपको कुछ और सेटिंग बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों सेटिंग आपको क्या करना है, आपको जाना है आपके मोबाइल सेटिंग पर। सेटिंग पर जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे जो है सिस्टम पर क्लिक करना है, उसके बाद रीसेट पर क्लिक करना है। रीसेट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप सबसे पहले तो रीसेट ऑल सेटिंग पर क्लिक कीजिए और रीसेट ऑल सेटिंग कर दीजिए। तो यानी कि आपको पूरा जो सेटिंग है उसको रीसेट करना होगा, ठीक है, पूरा सेटिंग को रीसेट करना होगा। उसके बाद दोस्तों रीसेट नेटवर्क सेटिंग पर जाइए और यहाँ भी सेम प्रोसेस को फॉलो कीजिए। रीसेट नेटवर्क सेटिंग, ये दोनों अलग अलग रीसेट है, तो आप दोस्तों दोनों के अलग से ही कीजिए, ठीक है। सबसे पहले रीसेट सेटिंग कर दीजिए, उसके बाद रीसेट नेटवर्क सेटिंग कर दीजिए। तो ये करने के बाद दोस्तों आप जो है मोबाइल को एक बार दोबारा से रिस्टार्ट कीजिए, उसके बाद दोस्तों देखिए आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों यदि प्रॉब्लम अभी अभी सॉल्व नहीं हो रहा है तो दोस्तों आपको थोड़ा सा वेट करना है, ठीक है, तो थोड़ा सा आपको वेट करना है, दोबारा से कनेक्ट करके देखना है, आपका जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हो जाएगा। चाहे तो दोस्तों आप यहाँ पर मोबाइल सॉफ्टवेयर को अपडेट करके भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों कभी कभी हमारा जो वर्ज़न होते हैं मोबाइल सॉफ्टवेयर का, तो वो काफ़ी पुराना हो जाने के बाद दोस्तों इस तरह का अनबिहेव करते हैं। तो मोबाइल सॉफ्टवेयर को आप हमेशा अपडेट करके यूज़ कीजिए। तो ये सब सॉल्यूशन करने के बाद जाके आपका जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो पर दोस्तों बस इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको जो है वीडियो पसंद होगा। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आते हैं तो दोस्तों आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मैसेज जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों इस तरह का प्रॉब्लम जो है काफ़ी तरह से हो सकते हैं आपको, ठीक है। तो उसी लिए दोस्तों मैं आपको बोल रहा हूँ, ट्विटर पर मैसेज कर सकते हैं या फिर कॉमेंट पर आपका जो प्रॉब्लम है वो बता दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।